प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा, किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, किसी के लाख कहने से ना बदला है ना बदलेगा। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। हजरात हजरते मौलाना कारी अतीक साहब ने बहुत अच्छे अच्छे खतीबों को इस जलसे में चुना है, बड़े कीमती हीरे इस जलसे में तशरीफ ला चुके हैं। पूरे मुल्क में अपनी खिताबत की धूम मचाने वाला वो अजीम खतीब, जंगल में मंगल का समा पैदा करने वाली जात हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब किबला मंदरी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर जलवा कर रहे। मगर उनसे पहले हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से सफर करने वाला वो अजीम शायर, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान जनाब मोहतरम साजिद रजा संभली के नाम से जानता और पहचानता है, मैं उन्हीं को पेश कर रहा हूं। मगर ऐसे नहीं, थोड़ा मूड में आइए और मुस्कुराकर बोलते रहिए या रसूल अल्लाह। मुस्कुराना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है। आपके चेहरे चौदहवीं की चांद की तरह खिल रहे हैं, इसलिए कि आप नबी के पाक नबी के जलसे में बैठे हो, नबी की पाक महफिल में बैठे हो, तुम्हारे चेहरों पर टोपियां नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, आए हे सुभान अल्लाह, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में। जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, सब नहीं, जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं वही हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंदबाज से बोल दे सुभान अल्लाह। देखो वो सामने नौजवान खड़े हैं, ये उनकी किस्मत है, खड़े हैं रोड पर। कितने नौजवान अपने घरों पे कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई व्हाट्सएप, कोई ट्विटर, कैसे कैसे हालात मोबाइल में देख रहा होगा, वो उनकी किस्मत है। मगर नौजवानों, तुम अपनी किस्मत के कुर्बान जाओ, तुम किसी दुनियादार की मोहब्बत में ही यहाँ आनकर नहीं बैठे, अपनी नींद को कुर्बान किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं किया, अगर किया है तो मदीने वाले आका की मोहब्बत में किया है सुभान अल्लाह। आज लोग मोबाइल का दौर चल रहा है, देखो कोई किसी जगह पर मोबाइल चला रहा होगा, कोई लिहाफ में चला रहा होगा, कोई किसी स्कूल के किसी कोने में बैठा हुआ चला रहा होगा, कहीं किसी कोने में बैठा हुआ चला रहा होगा, मच्छर काट रहे होंगे मगर फिर भी चला रहा होगा। ये तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम नबी के जलसे में आनकर किसी दुनियादार को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि मदीने वाले आका को राजी करने के लिए बैठे हो। जरा हाथों को उठाकर कहो सुभान अल्लाह। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। टेंशन हो गई, जो 149 का आ रहा था अब सीधा 200 पे पहुंच गया, हुई नहीं हुई टेंशन। जो 399 का था उसके भी रेट 500 से भी ऊपर हो गया, टेंशन पैदा हो गई, घर में लड़ाई झगड़े, जब डाटा खत्म हुआ। मगर खुदा की कसम, मेरे मैं ऐसे शेर पेश करता हूं, अगर दिल की तख्ती पर जुमले को नोट किया तो यहां भी झूमोगे, घर जाके भी झूमोगे, मर गए तो अपनी कब्रों में भी झूमोगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर कहो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। सजा लो इश्क नबी दिल के कंप्यूटर पर, नौजवानों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। सजा लो इश्क नबी दिल के कंप्यूटर पर, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। सजा लो इश्क नबी दिल के कंप्यूटर पर, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। और सुनो, है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, है नहीं बिगड़े हुए, है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, अगर नेट ही चलाने का इतना शौक है
तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर, तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर। और सुनो, नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया। एक मेहमान एक साल से तमन्ना करता है हमारे घर आने के लिए, मगर जैसे ही अपनी खाला के, फूफी के, मामू के, किसी भी रिश्तेदार के घर आया, इसके करीब आया, सलाम दुआ हुई, एकदम स्मार्टफोन निकाला और फेसबुक कभी व्हाट्सएप कभी कुछ चलाना शुरू कर दिया। खुदा का बंदा वो कहता है, यार मैं एक साल में आया और कहते इसने तो मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, ना कोई बात कर रहा है, ना ठंडे को पूछ रहा है, ना गर्म को पूछ रहा है, ये क्या हालात पैदा हो गए। तो ये आज का दौर ऐसा चल रहा है। मगर सुनो, हाथों को उठाकर कहो सुभान अल्लाह, नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया, नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। तो मैं पेश कर रहा था कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में। जरा माँ के बेटे हाथों को उठाकर बोल दे, या रसूल अल्लाह, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अनासागर बुलाने को जो कासा भेज देता है और दुआ करती है, दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी मुसल्ले में भी रबशिरनी की पुड़िया भेज देता है, मुसल्ले में भी रबशिरनी की पुड़िया भेज देता है। इन्हीं जुमलों के साथ हिंदुस्तान के दिगर सूबों में सफर करने वाला बड़ा अजीम शायर ये कह दू तो बेजाना होगा, मत्ताहे रसूल बागे तैबा के फूल जो महफिल को कर देते हैं कूल, अब आ रहे हैं गुलामे रसूल जो नजदी बहाबियों की उड़ा देते हैं धूल, सुन्नियों के दिलों में खिला देते हैं इश्क रसूल का फूल, जिनकी नात को सामईन किया करते हैं कबूल, जिन्हें अच्छे अच्छे नात खा दिया करते हैं सलाबी, ये सुन्नियों को सुनाया करते हैं कलामे हक्कानी, जिनकी गुफ्तगू देखो तो बड़ी खुश कलामी, जिंदगी देखो तो पूरी इस्लामी, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाबे मोहतरम साजिद रजा संभली मद्दा जिल्लाहु नौरानी, आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा मजमा हमें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आका को मनाने के लिए हाथ उठाकर नारा लगाइए। यहां से आवाज निकले गुंबदे खजरा की वादियों से जाकर टकरा जाए, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो जाए, मेरे मौला ये प्रोग्राम सरजमीन सिड़हल में हो रहा है या गुंबदे खजरा की छाओं में हो रहा है। सारा मजमा दिल लगाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जनाबे साजिद रे साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम बोलते हैं, मोहतशम बोलते हैं, मोहतरम बोलते हैं, मोहतशम बोलते हैं, उनकी मद्दाह खैरुल अनाम बोलते हैं। जिस कलम से लिखी जाए नाते नबी आस मोहम्मद, उसी कलम को रईसुल कलम बोलते हैं।